एक तरफ 78 साल यहाँ आज़ादी के हम हिंदुस्तान में मना रहे हैं और उधर पाकिस्तान अभी भी अपनी बर्बादी पर रो रहा है। भारत की ये ग्लोबल उड़ान है, भारत का कद दुनिया भर में बढ़ा है और उधर बर्बादी कगार पर मानो पाकिस्तान है। आज़ादी के 78 बरस पूरे हो गए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में ज़मीन आसमान का अंतर है। भारत का दुनिया में डंका कैसे बज रहा है ये हम सब जानते हैं, लेकिन पाकिस्तान की हालत खस्ता क्यों है, कैसे है और कैसे कर्ज दले दब रहा है पाकिस्तान, रिपोर्ट देखिए और जानिए। भारत की ग्लोबल उड़ान, बर्बादी की कगार पर पाकिस्तान, आजादी के 78 पथ, हिंदुस्तान पाकिस्तान में कितना फर्क। भारत का दुनिया में डंका, पाकिस्तान की हालत खस्ता। आजादी के 78 साल बाद भी पाकिस्तान परेशान। जीडीपी में मेढक की चाल और आसमान छूती महंगाई। बंटवारे के बाद हिंदुस्तान आबाद, पाकिस्तान बर्बाद। इस साल भारत और पाकिस्तान दोनों ही देश अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। दोनों देशों को एक ही अधिनियम इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 के तहत ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता मिली थी, लेकिन आजादी के 78 साल बाद दोनों देश की तरक्की में आसमान जमीन का अंतर है। आज भारत दुनिया के ताकतवर देशों में शामिल है। एक तरफ भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, तो वहीं दूसरी तरफ पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान जो सिर से लेकर पांव तक कर्ज में डूबा हुआ है, आम जनता महंगाई से परेशान है, तो वहीं उसके पास सरकारी खर्च के लिए भी पैसा नहीं है। इस साल तो पाकिस्तान के बैंकरप्ट होने की नौबत आ गई थी, लेकिन आईएमएफ और उसके दोस्त देशों ने ऐसा होने से उसको बचा लिया। पाकिस्तान को चीन, संयुक्त अरब अमीरात, तुर्की और सऊदी अरब जैसे देशों से बार बार मदद मांगनी पड़ रही है। पीएम शहबाज शरीफ एक के बाद एक दौरे कर रहे हैं और अपनी बदहाली की कहानी सुनाकर दुनिया से मदद मांग रहे हैं, जिसके बाद कुछ देशों की तरफ से बड़ी रकम दी भी गई है। यूएई और सऊदी ने पाकिस्तान में कई अरब के इन्वेस्टमेंट किए हैं। भाई बिहार पाकिस्तान को देखकर तो यही कहा जा सकता है कि आजादी का 78 साल बाद भी पाकिस्तान आजाद नहीं हुआ है, बल्कि वो गुलामी के अंधेरे में अभी भी डूबा हुआ है। मौजूदा समय में विकास, महंगाई, जीडीपी, हर लिहाज से पाकिस्तान की हालत खराब है। पड़ोसी देश पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का बुरा हाल है। पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब है। कर्ज के बोझ तले दबे पाकिस्तान को अब और कर्ज मिलने में भी काफी मुश्किलें आ रही हैं। आईएमएफ ने खुद पाकिस्तान की कर्ज चुकाने की क्षमता पर सवाल उठाए हैं। पाकिस्तान इस समय भारी भरकम कर्ज के अलावा महंगाई और बेरोजगारी से भी बुरी तरह परेशान है। पाकिस्तान में सामान के दाम आसमान पर हैं। पाकिस्तान में महंगाई को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। खाने पीने की चीजों की कीमतें आसमान छू रही है। आटा और रोटी इतनी महंगी है कि आम लोग खरीद नहीं पा रहे हैं। एक किलो आटा 800 रुपए में मिल रहा है। एक रोटी की कीमत 25 रुपए तक पहुँच गयी है। पाकिस्तान में बुनियादी चीजें आम लोगों की पहुंच से बाहर है। पाकिस्तान में जबरदस्त महंगाई है। महंगाई की दर 38% तक बढ़ गई है। साउथ एशिया में सबसे ज्यादा महंगाई पाकिस्तान में है। खाद महंगाई दर भी 78% तक पहुंच गई है। 2016 के बाद अभी पाकिस्तान में सबसे ज्यादा महंगाई है। पाकिस्तान लंबे समय से आतंकवाद का पनाहगार रहा है। पाकिस्तान में आतंकियों की भरमार है। एक समय आतंकवाद को पनाह देने वाला पाकिस्तान अब खुद भी आतंकवाद के दलदल में फंस चुका है। पहले जो पाकिस्तान दूसरे देशों पर आतंकी हमलों को अंजाम देने वालों की मदद करता था, वो अब खुद भी आतंकी हमलों से जूझ रहा है। पाकिस्तान में समय समय पर आतंकी हमलों के मामले देखने को मिलते हैं। जनता तो आतंकी हमलों का शिकार बनती ही है। पाकिस्तान की सेना भी आतंकवाद से सुरक्षित नहीं है। समय समय पर पाकिस्तानी सैनिक भी आतंकी हमलों में मारे जाते हैं। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अपनी करतूतों के चलते ही आजादी के 78 साल बाद भी पाकिस्तान तो आज भी गुलाम है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़।